नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी गुरु जी पर, और मैं हूं नीतीश शर्मा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया पढ़ाया था हिंदी भाषा का विकास, तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को जरूर देखे होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों हिंदी वर्णमाला के बारे में। आपको बता दूँ, हिंदी वर्णमाला से आपके एग्जाम में 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से समझते हुए चलिएगा और एक एक बात को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए बात करते हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला। तो सबसे पहले मैं वर्णमाला से पहले बात करना चाहूंगा, वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है दोस्तों, तो वह मूल ध्वनि है। वर्ण क्या है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है, यानी वर्ण जो है वह छोटी से छोटी इकाई है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों अ अ अ का अब इससे छोटा रूप हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी अ को अब हम इससे अधिक तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण क्या होता है दोस्तों, भाषा का सबसे छोटा रूप होता है वर्ण। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। लेकिन ध्वनि क्या होती है, तो वह मौखिक रूप होती है, मौखिक रूप। लेकिन वर्ण जो है दोस्तों, यह लिखित रूप में सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो आपको वर्ण समझ में आ गया होगा, वर्ण क्या होता है, तो जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक, अब मैं बात करूंगा वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या होता है दोस्तों, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णों को जब हम व्यवस्थित क्रम में सजा देते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, उसी से हमारा वर्णमाला का निर्माण हुआ है। तो अब बात करेंगे दोस्तों, वर्णमाला हमको समझ में आ गया, तो एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे वर्णमाला जो है दोस्तों, सभी भाषाओं की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है, सभी भाषाओं की अपनी एक अलग वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी की वर्णमाला है दोस्तों, हिंदी की वर्णमाला है क ख ग अ आ, ये सब क्या है, हिंदी की वर्णमाला है। लेकिन अभी मैं अंग्रेजी की बात करूं तो अंग्रेजी की भी एक वर्णमाला है, अंग्रेजी की भी अपनी एक वर्णमाला है, जैसे ए बी सी, यह क्या है, तो यह अंग्रेजी की वर्णमाला होती है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है, सभी भाषाओं की अपनी एक वर्णमाला होती है। तो इतना बात हमको समझ में आ गया होगा, वर्ण और वर्णमाला। अब मैं बात करूंगा दोस्तों वर्ण के प्रकार के बारे में। तो इसको जानने से पहले एक बात जान लीजिए, वर्ण कितने हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या टोटल 52 है। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे 52 होती है और कैसे कैसे क्या होता है, तो सभी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। तो थोड़ा सा आप धैर्य बना के हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब देखते हैं दोस्तों वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या मूल रूप से कितनी होती है, तो 11 होती है, और व्यंजन की संख्या 33 होती है। अभी बताऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक, चलिए, तो स्वर क्या होता है दोस्तों, तो स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब, स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इसके उच्चारण में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या क्या 11 होती है, अभी मैंने आपको बताया है। देखिए स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, अभी बताऊंगा वो सब क्या है। तो अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, यह हमारे क्या है दोस्तों, यह हमारे 11 जो आप देख रहे हैं, यह हमारे स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी कहने का मतलब ये स्वर हैं। अब देखिए आगे मैंने लिखा है दोस्तों अंग और अह, अंग और अह इनको भी स्वरों के साथ लिख दिया जाता है, वैसे तो ये स्वर नहीं होते हैं, वैसे तो न यह स्वर है न व्यंजन है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, तो अंग को अनुस्वार कहा जाता है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है, और अह को विसर्ग कहा जाता है, और इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों, अयोगवाह का अर्थ होता है, अयोगवाह का अर्थ होता है योग न होने पर भी जो साथ चले। यानी समझिएगा बात को, अयोगवाह को न तो स्वर मानते हैं और न ही व्यंजन मानते हैं, फिर भी इसका जैसा हम प्रयोग करना चाहते हैं, जैसी हमारी स्थिति होती है, तो उसके अनुसार हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। यानी इसका हम स्वरों के साथ भी प्रयोग कर लेते हैं और व्यंजन के साथ भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब भी इसका प्रयोग होगा तो स्वर और व्यंजन के बाद में ही होगा। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अंग और अह क्या होते हैं, तो अयोगवाह होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट। अब देखिए,
अब मैं बात करूंगा दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्य रूप से पांच प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मात्रा के आधार पर, यानी स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर जो किया गया है तो कैसे किया गया है। ठीक, चलिए, तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से होता है। पहला है दोस्तों ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इसी को मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है, यानी ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूल स्वर क्या होते हैं? तो जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है दोस्तों चार। कौन कौन से? तो अ, ई, उ और री, यह हमारे चार जो हैं ह्रस्व स्वर हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम एक लिख देंगे तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर का प्रयोग हुआ है, यानी इसको प्रदर्शित करने के लिए हम एक सिंबल का प्रयोग करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों दीर्घ स्वर के बारे में। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगे, उसे हम क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर बोलेंगे। ठीक, तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वरों की संख्या दोस्तों सात होती है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, यह सात हमारे जो हैं दोस्तों यह दीर्घ स्वर हैं। ठीक, दीर्घ स्वर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यश, अंग्रेजी के यश जैसी आकृति का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए बात करेंगे तीसरा हमारा जो है दोस्तों मात्रा के आधार पर तीसरा हमारा स्वर आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर क्या होते हैं दोस्तों? तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में कितनी मात्रा का समय लगता है? तो तीन मात्रा का समय लगता है। अर्थात कहने का मतलब ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों ऊम ऊम, यह क्या है? प्लुत स्वर का उदाहरण है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अंग्रेजी हिंदी के तीन का प्रयोग करते हैं। तीन जैसी आकृति का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कब होता है दोस्तों? तो इसका अधिकतर प्रयोग किसी को पुकारने के लिए नाटक में, संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है प्लुत स्वर का। जैसे हे राम, ओम, इन सब में किसका प्रयोग हुआ है? तो प्लुत स्वर का। अब आइए आगे बात करते हैं दोस्तों जिह्वा के उठने के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। चलिए आइए, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के प्रकार जानने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों। उससे पहले हम बात कर लेंगे थोड़ा सा संयुक्त स्वर के बारे में, यही समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं दोस्तों? तो संयुक्त स्वरों की संख्या चार होती है। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो चार होती है। संयुक्त स्वर कहते किसे हैं? तो ऐसे स्वर जिनमें दो स्वरों का योग हो, यानी जो ऐसे स्वर जो दो स्वरों के मेल से बने हो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या चार होती है। कौन कौन से होते हैं आइए देख लेते हैं। तो पहला है हमारा ए, ऐ, ओ, औ, यह चार हमारे जो है दोस्तों संयुक्त स्वर हैं। ठीक, तो ए किसके किसके मेल से बना है? तो ए अ प्लस ई के मेल से हमारा बनता है ए। आय किसके किसके मेल से बना है? तो अ प्लस ए मिलकर के बनता है दोस्तों आय, और अ प्लस ऊ मिलकर के बनता है ओ, अ प्लस ओ मिलकर के बनता है औ। तो इस प्रकार से हमारे ये चार जो हैं आप देख रहे हैं यह संयुक्त स्वर हैं। तो इसके उच्चारण स्थान के बारे में भी यही बात कर लेंगे। तो ए का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों? कंठ तालु होता है। ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु ही होता है। और ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। तो आपको बता दूं उच्चारण स्थान के बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे, और बहुत ही एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूंगा जिससे उच्चारण स्थान तो आप कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं एकदम याद करा दूंगा कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो उसके मैं बारे में आगे चर्चा करूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों स्वर के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। तो दूसरा प्रकार है दोस्तों जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। पहला है दोस्तों अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है
स्पष्ट स्वर, समझिएगा। तो अग्र स्वर क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का यानी जीभ का अग्र भाग काम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अग्र स्वर बोलते हैं। अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, देखिए अग्र स्वर हमारे होते हैं ई, ई, ए, ए, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए। यह क्या होते हैं? हमारे अग्र स्वर होते हैं चार। ठीक, देखिएगा अग्र स्वर का मतलब कि जिसके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग काम करे। तो आप खुद बोल के देख लीजिए, ई ई बोलिए, ई। तो जीभ का कौन सा भाग कार्य कर रहा है? हमारे जीभ का अगला भाग कार्य कर रहा है, अगला हिस्सा कार्य कर रहा है, तो यह हमारा अग्र स्वर के अंतर्गत आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है दोस्तों मध्य स्वर। तो मध्य स्वर क्या है? तो ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मध्य स्वर बोलेंगे। तो मध्य स्वर कौन सा है दोस्तों? तो अ, अ हमारा क्या है? मध्य स्वर है। अ हमारा क्या है? तो मध्य स्वर है। बोल के देखिए, अ अ बीच में से आवाज आ रही है, यानी जीभ का मध्य वाला भाग कार्य कर रहा है, तो अ हमारा क्या हुआ? मध्य स्वर हुआ। अगला है दोस्तों पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी पश्च स्वर क्या होते हैं? तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का यानी जीभ का पिछला हिस्सा कार्य करे, पीछे वाला हिस्सा कार्य करे, उसे हम क्या बोलेंगे? पश्च स्वर बोलेंगे। तो पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। आ, ऊ, ऊ, ओ, औ, यह हमारे क्या हैं? पश्च स्वर हैं। इसके उच्चारण में जीवा का हमेशा पिछला भाग कार्य करता है। आ आ बोल के देखिए, पीछे से आवाज आ रही है, एकदम जीभ के पिछले हिस्से से इसमें आवाज आ रही है, तो यह हमारा पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। तो इतना हमको समझ में आ गया, जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ लिया। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों मुख द्वार यानी मुख विवर खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है। तो आपको बता दूं, विवर का मतलब होता है दोस्तों छिद्र। विवर का मतलब क्या होता है? तो छिद्र होता है, यानी मुख का जो छिद्र है उसके खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया गया है। कोने में लिखा हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पता नहीं। चलिए, तो चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो विवृत, दूसरा है अर्धविवृत, तीसरा है समवृत और चौथा है अर्ध समवृत। तो समझिएगा बात को, विवृत क्या होता है? विवृत को दोस्तों इंग्लिश में ओपन बोला जाता है। ओपन, ओपन का मतलब खुला हुआ, यानी जाहिर सी बात है बिल्कुल देख के ही लग रहा होगा। तो इसके उच्चारण में यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हुआ होता है, मुख द्वार पूरा खुला हुआ होता है यानी पूरा ओपन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विपरीत स्वर बोलते हैं। जैसे जैसे वहां पर लिखा है आ आ, तो आ बोल के देखिए, मुंह जो है, मुख का जो द्वार है मतलब अगला हिस्सा जो है, यह पूरा का पूरा खुल जा रहा है, तो यानी आ जो है हमारा दोस्तों विपरीत स्वर के अंतर्गत आएगा। किसके आधार पर? मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक, अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा है अर्ध विपरीत। तो अर्ध विपरीत को इंग्लिश में बोला जाता है हाफ ओपन। हाफ ओपन मतलब आधा खुला हुआ। तो ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में हमारा मुख द्वार आधा खुलता है, यानी पूरा नहीं खुलता है, बस थोड़ा सा खुलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विपरीत बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो अ, ए, औ, अ, ए और औ, यह तीन हमारे जो है दोस्तों अर्ध विपरीत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा समवृत। तो समवृत या हिंदी में इसको समवृत बोलते हैं, इंग्लिश में इसी को क्लोज बोलते हैं। तो यह समझने में आपको थोड़ा सा समवृत कठिनाई होगी, लेकिन यह तो बिल्कुल स्पष्ट होगा। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद होता है, यानी जिस जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा मुख द्वार जो है पूरा का पूरा लगभग बंद होता है, यानी हमारा मुख द्वार जो है लगभग पूरा बंद हो, उसे क्या कहेंगे? समवृत स्वर कहेंगे। तो समवृत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ई, ई, उ, उ, यानी छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ और बड़ा उ, यह चार हमारे समवृत स्वर हैं। बोल के देखिए खुद, ई, ई, मुख जो है लगभग बंद है इसमें। ई, ई बोल के देखिए आप खुद, मुख क्या हो रहा है? हमारा मुख द्वार जो है लगभग बंद हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? समवृत स्वर कहेंगे। आशा करता हूं कि बात आपको एकदम समझ में आ रही होगी। चलिए अगला है दोस्तों, चौथा है हमारा अर्ध समवृत। अर्ध समवृत क्या होता है? तो इसी को इंग्लिश में हाफ क्लोज बोलते हैं, यानी इसमें जो हमारा मुख द्वार होता है वह आधा खुलता है। मुख द्वार कितना खुलता है? आधा खुलता है, तो उसे हम अर्ध समवृत बोलते हैं। कौन कौन से इसमें स्वर आते हैं? तो ए, औ, ए, ओ, ए और ओ, ए और ओ, यह हमारे अर्ध समवृत स्वर के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया मुख द्वार यानी मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं दोस्तों ओठ की स्थिति के आधार पर, यानी ओठ की स्थिति के आधार पर अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो ओठ की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण
दो प्रकार से किया गया है। पहला है दोस्तों अवृत्तमुखी और दूसरा है वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी का मतलब, वृत्त का मतलब आपको पता ही होगा, वृत्त कैसा होता है तो गोल होता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा ओठ जो है, हमारा ओठ गोलाकार नहीं होता है, यानी हमारा वो हमारे ओठ की जो आकृति है यह गोल नहीं होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अवृत्तमुखी बोलेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो आइए देख लेते हैं। अ आ ई ई ए ऐ, यानी दो दो चार एक दो छ, यानी छ जो स्वर है हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, अवृत्तमुखी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वृत्तमुखी। वृत्तमुखी क्या होता है तो इसके उच्चारण में यानी वृत्तमुखी के उच्चारण में, इसके उच्चारण में जो हमारा ओठ है यह क्या होता है, गोल हो जाता है, यानी ओठ की जो आकृति होती है गोलाकार हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्तमुखी स्वर बोलेंगे। इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं तो उ उ ओ औ। आप खुद बोल के ट्राई कर लीजिए, उ बोलिए उ उ, ओठ क्या हो जा रहा है, गोल हो जा रहा है ना, तो बिल्कुल यह वृत्तमुखी कहलाएगा। तो बात आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ रही होगी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उच्चारण स्थान के बारे में, तो बिल्कुल एक एक चीज आपको समझाते हुए चलूंगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, पांचवा हमारा है दोस्तों हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है दोस्तों अनुनासिक स्वर और दूसरा है निरनुनासिक स्वर। तो अनुनासिक स्वर क्या होता है दोस्तों, तो अनुनासिक स्वर में स्वरों के उच्चारण में, अनुनासिक स्वर में यानी इसके उच्चारण में हवा जो है दोस्तों मुंह प्लस नाक, यानी मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिखा है दोस्तों गांव, दांत, तो गांव में जिसका इसका प्रयोग किया गया है आ, तो इसके इसमें इसके उच्चारण में क्या हुआ है, हवा जो है दोस्तों वायु मुंह प्लस नाक यानी मुख और नाक दोनों से निकल रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक स्वर बोलेंगे। ठीक, दूसरा आता है निरनुनासिक स्वर। तो निरनुनासिक स्वर क्या होता है दोस्तों, तो इसके उच्चारण में हवा केवल मुख द्वारा निकलती है, यानी इसके उच्चारण में हवा केवल मुख द्वारा बाहर आती है, उसे हम क्या बोलेंगे, निरनुनासिक स्वर बोलेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है इधर उधर, तो बोल के देखिए इसमें क्या, किस स्वर का प्रयोग हुआ है, तो ई का और ऊ का, तो ई उ केवल वायु मुख द्वारा ही बाहर निकल के आ रही है, तो वहाँ पे कौन सा स्वर होगा, निरनुनासिक स्वर होगा। तो बिल्कुल इस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छे से तरीके से पढ़ लिया हो है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे दोस्तों व्यंजन के बारे में। स्वर तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है क्या, व्यंजन। तो सबसे पहले व्यंजन होते क्या हैं, तो व्यंजन उन्हें कहते हैं जिसके उच्चारण में, यानी व्यंजन के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में हम स्वर की सहायता लेते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देखिए क, दिख रहा होगा आपको क, यानी क का जब भी हम उच्चारण करेंगे, क क्या है, हमारा एक प्रकार का व्यंजन है, तो क का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो इसके साथ साथ हम हमेशा अ स्वर का उच्चारण करेंगे। जब भी इसमें से हम अ को अलग कर देंगे तो हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए आप, जैसे क, क में से आप अ निकाल दीजिए, अ स्वर को निकाल दीजिए, तो इसका उच्चारण कैसे आप कर पाएंगे, इसको हलंत क कहेंगे, लेकिन उच्चारण करने में अ का प्रयोग तो करना एकदम निश्चित है, यानी अ किसी न किसी तरह से आएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, व्यंजन जो होते हैं स्वतंत्र नहीं होते हैं, यानी इसके उच्चारण में हमेशा हम स्वरों की सहायता लेते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मुख्य रूप से व्यंजन चार प्रकार के मैं आपको बताऊंगा, वैसे कई प्रकार होते हैं इसके, तो चलिए सभी को मैं बताते हुए चलूंगा, समझते हुए चलिएगा साथ साथ। तो पहला है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को भी वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या दोस्तों पच्चीस। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 होती है। नीचे जैसा कि मैंने लिखा है दोस्तों देख लीजिएगा, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी क से लेकर के म तक के हमारे जितने भी वर्ण हैं यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो अब देखिएगा इसका उच्चारण स्थान क्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो जो भी वर्ग है दोस्तों, यानी क जो है ना, क यह अपने वर्ग का क्या है, लीडर है, यानी अपने वर्ग का मुखिया है, तो इसी से इसका नाम पड़ गया दोस्तों, क को हम क्या बोलेंगे, क वर्ग बोलेंगे। ठीक,
च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। ठीक, तो यानी प्रत्येक वर्ग का जो पहला अक्षर है उसी से उस वर्ग को हम जानते हैं। ठीक, अब देखिए तो किस वर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो इसको हम देखेंगे। जैसा कि मैंने उधर लिखा है दोस्तों, तो पहला है हमारा क ख ग घ अंग, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ। यानी क ख क वर्ग का जब भी हम उच्चारण करेंगे तो इसके उच्चारण में जो वायु है या हमारे ध्वनि है वह कहाँ से निकल के आएगी, कंठ से निकल के आएगी, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ठीक, दूसरा है दोस्तों च वर्ग, यानी च जो आप देख रहे हैं च वर्ग है, मैं यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ क्योंकि जगह बहुत कम था तो इसलिए नहीं लिखा हूँ, तो समझिएगा बात को। च जो है दोस्तों च वर्ग, तो इसका उच्चारण क्या, उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ताल होता है, ताल। यानी इसके उच्चारण में हमारा जो ध्वनि निकलता है वह किसको स्पर्श करता है, ताल को स्पर्श करता है, यानी मुख का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको स्पर्श करेगा। ठीक, देखिए तीसरा है दोस्तों ट वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। एक बात यहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसमें जो है देख रहे हैं आप ड और ढ, ड और ढ, तो यही इसी को दोस्तों हम कहीं के लिखते हैं ड और ढ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण व्यंजन इसी को बोला जाता है। यानी जब इसके नीचे हम बिंदी लगा देते हैं तो वह उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाता है, या फिर उसी को हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या फिर उसी को हम तड़ंजात व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा ड ढ को क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है, और या फिर द्विगुण व्यंजन बोला जाता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो ड ढ, ठीक याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा त वर्ग, तो त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। ठीक, उसके बाद आता है प वर्ग, यानी प फ ब भ म, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। चलिए तो इसको अब याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है के टी एम दो, ठीक के टी एम दो, आप सबसे ए टी एम मांगते होंगे तो ए टी एम का ए भूल जाइए। ठीक, क्या याद कर लीजिए, के याद कर लीजिए, तो के, के से क्या हो जाएगा आपका कंठ, टी से हो जाएगा तालु, यम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंत, और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। यानी इस प्रकार से हमारे जो भी वर्गीय व्यंजन हैं यानी स्पर्श व्यंजन है, इसके उच्चारण स्थान को हम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो दूसरा आता है हमारा दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो य र ल व, य र ल व, यह हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो इसमें से जो आप य और व देख रहे हैं, य व, इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम अर्धस्वर के नाम से भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा अर्धस्वर होते हैं, तो य और व, ठीक याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों र, तो र को हम प्रकंपित व्यंजन या फिर इसी को लुंठित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकंपित व्यंजन है तो र, या फिर लुंठित व्यंजन है तो क्या बताएंगे, र। ठीक, दूसरा है दोस्तों ल, तो ल को हम पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, ल को क्या बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यह रहा हमारा दूसरा व्यंजन का दूसरा प्रकार। अब देखते हैं तीसरा, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन क्या होता है, तो इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण में मुख से जो वायु निकलती है वह मुख को रगड़ते हुए बाहर आती है, जिससे वायु गर्म हो जाती है। ठीक, गर्म होकर के बाहर आती है तो वहाँ पर उष्मा उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उष्म व्यंजन बोलते हैं। इसके उच्चारण में हमेशा गर्माहट उत्पन्न होती है। जो इस उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो इसमें उष्म व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों चार। कौन कौन से, यहाँ पर मैंने लिखा है स, स, स और ह, यानी आपके तीनों स और ह, यह किसके अंतर्गत आते हैं, उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान भी यहीं देख लीजिए, तालव्य स का, इस स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालव्य होता है। इस स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इस स का उच्चारण स्थान दंत होता है। और ह का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इस उच्चारण स्थान को मैं समझ रहा हूँ, आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही होगी, तो अभी मैं आपको एक सूत्र बता दूंगा जिससे आप सबका उच्चारण स्थान देखकर तुरंत बता देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल बने रहेंगे, अभी मैं आपको उसको आगे बताऊंगा। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट साथ में लेते चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब मैं आगे बात करूंगा दोस्तों अगला जो व्यंजन का प्रकार है उसके बारे में।
चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो ऐसे व्यंजन जो दो व्यंजनों के मेल से बने हो, यानी ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण दो व्यंजनों के मेल से हुआ हो उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह चार हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, तो किसके किसके मेल से बने हैं? यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों, छ किसके किसके मेल से बना है? तो क प्लस स के मेल से छ बनता है, क प्लस स के मेल से छ बनता है। त्र किसके मेल से बनता है? तो त प्लस र, यानी हलंत त और र के मेल से त्र बनता है। ज्ञ किसके मेल से बनता है? तो ज प्लस इय, यानी हलंत ज और इय के मेल से आपका ज्ञ बनता है। स्र किसके किसके मेल से बनता है? तो हलंत स और र के मेल से आपका स्र बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल इसको समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, छ का क्रम किसके बाद आता है? तो हमेशा क्या आंसर बताएंगे? क के बाद। ठीक, या छ किसके पहले आता है? तो स के बाद। यानी जब भी पूछा जाए कि छ का क्रम किसके बाद आता है तो क्या आंसर करेंगे? क के बाद। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अगर ऐसे आप याद नहीं कर पाते हैं कि किसके किसके मेल से बना है, तो यहाँ पर साइड में मैंने लिखा है दोस्तों इसका इंग्लिश। तो छ का इंग्लिश तो आपको पता ही होगा क्या लिखते हैं, तो के एस एच लिखते हैं, के एस एच। तो के से आपका हो गया क और एस एच से आपको पता ही है स होता है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है दोस्तों टी आर, यानी त्र का हम क्या इंग्लिश लिखते हैं? त्र लिखते हैं, त्र। तो टी से हमारा क्या हो गया? त, और आर से क्या हो गया? र। ठीक, तीसरा मैंने लिखा है दोस्तों जी वाई, यानी ज्ञ के लिए हम क्या लिखेंगे? जी वाई लिखेंगे। तो जी से हमारा हो गया ज और वाई से हो गया इ। इसी तरह दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा है एस एच और आर, यानी इस एस एच से हमारा हो गया स और आर से हो गया र। तो इसमें आप हमेशा कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे कौन सा स रहेगा, ये वाला स रहेगा कि ये वाला। तो इसको मैंने देखिए आपको तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्र कैसे लिखा है? ऐसे लिखा है ना स्र, ऐसे ऐसे स्र लिखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी स्र में आप ऐसे जोड़ देंगे तो किसके जैसा लग रहा है? इसके जैसा लग रहा है, यानी तलब्य स के जैसा लग रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमेशा स्र जो है दोस्तों इस वाले स के निर्माण से बनेगा, ना कि इस वाले स से। तो बिल्कुल इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हमेशा ध्यान देना है। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और व्यंजनों के बारे में। तो एक व्यंजन होता है दोस्तों संपृक्त व्यंजन, संपृक्त व्यंजन। तो संपृक्त व्यंजन क्या होता है? तो ऐसे व्यंजन जिसमें दो व्यंजनों के बीच में कोई हलंत वर्ण आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है दोस्तों रक्त, रक्त, यानी र और त जो है यह एक पूर्ण व्यंजन है और इसके बीच में एक हलंत व्यंजन आता है। तो ऐसे व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं? संपृक्त व्यंजन बोलते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं युग्मक या फिर युग्मक व्यंजन, या फिर इसी को हम द्वित्व व्यंजन बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन। ठीक, तो द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों? तो ऐसे व्यंजन जिसमें एक व्यंजन के पहले, यानी एक व्यंजन के पहले उसी का हलंत व्यंजन आता है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है दिल्ली, तो दिल्ली में जो ल है दोस्तों, ल के पहले इसी का हलंत व्यंजन आया है, तो यहाँ पे कौन सा व्यंजन होगा? द्वित्व व्यंजन होगा या फिर युग्मक व्यंजन होगा। उसी तरह सच्चा है, लल्लन है, तो इसमें उसके पहले उसी के हलंत व्यंजन आए हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा, संपृक्त व्यंजन और युग्मक व्यंजन या फिर द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा, पूछ लेगा कि दिल्ली कैसा व्यंजन है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि दिल्ली कैसा व्यंजन है। तो दिल्ली बिल्कुल युग्मक या फिर द्वित्व व्यंजन उसको बोलते हैं, ऑप्शन में दिया रहेगा। ठीक, तो इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो इतना तो हम पढ़ लिए दोस्तों व्यंजन के बारे में। अब व्यंजन के थोड़ा सा और प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिएगा, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार क्या क्या होते हैं? तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार का होता है। तो घोष का आपको मैं शाब्दिक अर्थ बता देता हूं दोस्तों। घोष का शाब्दिक अर्थ होता है नाद या फिर अनुनाद, ठीक, या फिर कंपन। घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कंपन। ठीक, तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो पहला है सघोष, सघोष या फिर इसी को हम घोष बोलते हैं, घोष। ठीक, दूसरा है दोस्तों अघोष। तो सघोष क्या होता है दोस्तों? सघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन कहे जाते हैं जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन बोलते हैं, या फिर घोष व्यंजन उसी को बोला जाता है। समझिएगा बात को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा,
तो सघोष या फिर घोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं समझिएगा। तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही पढ़ाया है दोस्तों वर्ग वर्ग, अभी मैंने आपको स्पर्श व्यंजन पढ़ाया है। तो देखिएगा, यानी मैं कहूँगा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, उसी में प्लस ह प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस सभी स्वर। अभी पीछे ही मैंने आपको पढ़ाया है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, य र ल और व। यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है आपका, सघोष होता है। ठीक, फिर ह भी क्या है, सघोष है, और अंतस्थ व्यंजन भी सघोष होते हैं, और सभी स्वर यानी जितने हमारे स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, 11 होते हैं। तो क्या है सब, ये सब क्या है दोस्तों, तो सघोष के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो हमारे तीसरे चौथे पांचवें यानी तीन, पांच वर्ग होता है हमारा, तो तीन व्यंजन उसमें से प्रत्येक वर्ग से निकालिए, तो पांच व्यंजन से कितने निकल जाए, पांच वर्ग से कितने निकल के आ जाएंगे, 15। यानी 15 हमारे स्पर्श व्यंजन से निकल के आ जाएंगे सघोष। ठीक, दूसरा है दोस्तों ह, तो एक यहाँ से मिल जाएगा, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, चार, तो चार यहाँ से मिल जाएंगे, और स्वरों की संख्या होती है 11। ठीक, तो देखिएगा जोड़िए, 15 प्लस 1 16, 4 20, और प्लस 10 20, 10 30 1 31, यानी पूरे सघोषों की संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है सघोषों की संख्या कितनी है, टोटल सघोष की संख्या कितनी है, तो 31 बताएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए अघोष क्या होता है, तो अघोष क्या होता है दोस्तों, स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, यानी अघोष जो व्यंजन होते हैं इसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, यहाँ पर मैंने एक दो लिखा है तो समझ लीजिएगा बात को। ठीक, तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होता है, प्लस स स स यानी हमारे तीनों स, तालव्य मूर्धा और दंत, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा और तीनों स हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, अघोष के अंतर्गत आएंगे। ठीक, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 10, यानी प्रत्येक वर्ग से दो दो वर्ण निकाल दीजिए, पांच वर्ग होते हैं यानी पांच दुना के 10। ठीक, तो 10 यहाँ से मिल गए और तीन यहाँ से, यानी इनकी संख्या टोटल संख्या कितनी हो गई अघोषों की, तो 13 हो गई। तो अघोष जो होता है ना दोस्तों, ठीक जस्ट इसी का अपोजिट है, देख लीजिए यहाँ पर 31 है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, तो यहाँ पर अघोषों की संख्या कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि घोष के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब बात करूंगा दोस्तों प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, यानी प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं। तो प्राण का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए, प्राण का अर्थ होता है दोस्तों वायु, वायु। ठीक, तो इसके आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। तो अल्पप्राण किसे कहेंगे, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे हम अल्पप्राण कहेंगे। ठीक, अल्प मतलब कम, तो जाहिर सी बात है जिसके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उसे हम अल्पप्राण कहेंगे। दूसरा है दोस्तों महाप्राण, तो जिसके उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उसे हम महाप्राण बोलते हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अल्पप्राण के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, कौन कौन से वर्ण आएंगे, और महाप्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो देखिएगा अल्पप्राण के अंतर्गत दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा, 135 मैंने यहाँ पर लिखा है, तो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, ठीक, प्लस अंतस्थ व्यंजन और प्लस सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, अंतस्थ व्यंजन यानी चार हमारे जो अंतस्थ व्यंजन है, और सभी स्वर किसमें आएंगे, तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी इनकी संख्या 15 हो गई और अंतस्थ व्यंजन चार, और स्वर कितने होते हैं, 11। यानी अल्प प्राण, टोटल अल्प प्राणों की संख्या पूछी जाए तो 30 होती है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों महाप्राण के बारे में, तो महाप्राण कौन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण चौथा वर्ण और प्लस उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन यानी उष्म व्यंजन कितने होते हैं, चार होते हैं, अभी मैंने पीछे बताया है, स स स और ह, यह चार हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। तो किसके अंतर्गत आएगा, यह भी महाप्राण के अंतर्गत आएगा। तो इसकी टोटल संख्या कितनी हो गई, 10 इसकी हो गई और चार यह, यानी कुल इसकी संख्या कितनी हो गई, तो 14 हो गई। तो इस तरह हमने पढ़ लिया दोस्तों घोष के घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार और प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, तो आपको एकदम समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बात करूंगा,
देखिएगा एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर आपको इस तरह से याद करने में कठिनाई होती होगी कि अल्पप्राण कौन सा होगा और महाप्राण कौन सा होगा, बार बार भूल जाएंगे। तो समझिएगा, अल्पप्राण जानने के लिए दोस्तों और महाप्राण जानने के लिए क्या करिए, आप किसी भी वर्ण का आपको इंग्लिश लिखना तो आता ही होगा, तो बिल्कुल दोस्तों उसका आप क्या करिए, सीधा सा इंग्लिश लिख लीजिए। जैसे मैं लिखूँ दोस्तों क, ठीक, तो क को आप अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, क को क्या लिखेंगे, के लिखेंगे, यानी ठीक। अब इसी को अब मैं कहूँ दोस्तों ख, तो ख लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा, के और यच, के और यच। तो अभी मैंने आपको बताया है अल्प प्राण के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है और महाप्राण के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है, यानी आप यह देख लीजिए और यह देख लीजिए कौन बड़ा है इसमें, तो यह छोटा है और यह बड़ा है, ठीक, यानी इसमें एक अक्षर आ रहा है और इसमें दो वर्ण आ रहे हैं। तो बिल्कुल दोस्तों जिसमें कम वाला आएगा, यानी जिसमें कम वर्ण आएंगे, जिसका इंग्लिश हम लिखेंगे तो जिसमें कम वर्ण आएगा वह हमारा क्या हो जाएगा, अल्पप्राण होगा, और जिसमें दो वर्ण आएंगे या फिर दो से अधिक भी आ सकते हैं तो वहाँ पे कौन सा, महाप्राण होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आप याद रख सकते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसका डायरेक्ट इंग्लिश लिखिए, वहाँ से बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब मैं बात करूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है दोस्तों, उच्चारण स्थान को याद करने का मैं आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आप उच्चारण स्थान कभी गलत नहीं करोगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बात को। चलिए यहाँ पर मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं, इसको आप एक बार दो बार तीन बार बोल लेंगे तो यह बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं और कभी उच्चारण स्थान गलत नहीं करोगे। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ सूत्र लिखे हैं। पहला है अकुह विसर्जनीयाम कंठ, अकुह विसर्जनीयाम कंठ, यानी अ से हमारा क्या होता है, अ आ क से हो जाएगा क वर्ग, ह से हो जाएगा ह, विसर्जनीयाम से अह, यानी इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अ आ क वर्ग का मतलब क वर्ग में आने वाले सभी वर्ण, ह और अह, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, पीछे बताना भूल गया हूँ, ह जो है दोस्तों ह को क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं। उष्म व्यंजन मतलब उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो चार होते हैं, स स स और ह, इसी को हम संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है संघर्षी व्यंजन क्या होता है, तो संघर्षी व्यंजन को ही उष्म व्यंजन बोला जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, तो ई से क्या हो जाएगा, ई ई, यानी दोनों ई, छोटा ई और बड़ा ई, च से हो जाएगा च वर्ग, य से हो जाएगा य और स से हो जाएगा स, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक। ई ई च वर्ग यानी च वर्ग में आने वाले सभी वर्ण, य और स, सबका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। ध्यान रखिएगा एक बात आपको बता दूं, च वर्ग को ही, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, च वर्ग को स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक। तीसरा है दोस्तों ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो ऋ से क्या हो जाएगा, ऋ हो जाएगा, टू से हो जाएगा आपका ट वर्ग, र से र और स से स, यानी ऋ ट वर्ग र और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। चौथा आता है हमारा ऋतु लसानाम दंत, तो लि से हो जाएगा लि, टू से हो जाएगा त वर्ग, ल से हो जाएगा ल और स से हो जाएगा स, यानी लि त वर्ग, त वर्ग में आने वाले सभी वर्ण, ल और स, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंत होता है, ठीक। पांचवा हमारा लास्ट है दोस्तों उपुद्धमानीय ओष्ठ, यानी उ उ प वर्ग, यानी छोटा उ और बड़ा उ, प वर्ग में आने वाले सभी वर्ण, प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओष्ठ होता है, ठीक। तो इस तरह से आप उच्चारण स्थान को बिल्कुल हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कहीं भी व इसमें नहीं आया है, ठीक। व जो होता है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है, य र ल व, यहाँ पर हमको य मिल गया, यहाँ पर हमको र मिल गया, यहाँ पर हमको ल मिल गया, लेकिन वह हमको कहीं नहीं मिला, तो वह को मैंने यहाँ पर इसीलिए अलग से लिख दिया है। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंतोष्ट होता है, याद रखिएगा। वह का उच्चारण स्थान यदि पूछा जाए तो क्या बताएंगे, दंतोष्ट बताएंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंतोष्ट होता है। तो बिल्कुल आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, तो जाते जाते एक बार सभी मित्रों से शेयर करिए, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं आपको एक एक करके सभी क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगा हुआ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।